तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। और एडवांस एक्सेल फॉर्मूला की क्लासेस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोर्स कंटेंट के बारे में कि कोर्स क्या क्या कवर होगा और कैसे कवर होगा। तो सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जानी है, वहाँ पे कोर्स डिटेल्स मिल जाएगा। मेरे पास दो तरह की क्लासेज है, एक लाइव क्लासेज है, दूसरा रिकॉर्डेड क्लासेज है। रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर, जहाँ पे सारे क्लासेस की वीडियोज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं लाइव क्लासेस में, तो लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो फिर लाइव क्लासेस की साइट खुल के आएगी। इसमें हम एक कोर्स करने वाले हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। जी हाँ, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, ये बेसिक टू एडवांस लेवल है और इसमें जितनी भी चीज़ें आती है सारे ऑफिस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आती है। क्लासेज 1-to-1 या 1 से 3 लोगों का बैच होगा आपके साथ। और इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे, मोटा मोटे टॉपिक आप देख पा रहे हैं, सारे टॉपिक करेंगे। आप चाहते हैं कि डिटेल टॉपिक हो तो उसके लिए आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी। हालांकि ये PDF फाइल मैंने आपको WhatsApp पे भेजा है, देख सकते हैं। ये सारे कंटेंट इसके अंदर कवर होंगे। और ये कंटेंट जो है मिनिमम है, नॉट ए मैक्सिमम। ये आपको लगता है कोई टॉपिक इसमें मिसिंग है तो यू कैन इंक्लूड, मुझे बताइएगा, हम इंक्लूड कर देंगे, राइट? तो अगर आपको देखना है कि मैं कहाँ पर हूँ तो आप इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हो। पहले पहला सेक्शन हम यूज ये इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो जिस सीक्वेंस में ये दिया गया है इसी सीक्वेंस में हम अपनी कोर्स को फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरिकल चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेल, कौन सा एक्सेल आपको हम सिखाने जा रहे थे? लेटेस्ट एक्सेल 2021, जी हाँ 2021 एक्सेल सिखाएंगे, जिसको हम लोग 365 भी कहते हैं, ऑफिस 365, जो कि लेटेस्ट है। उससे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल का यूज क्या क्या होता है। अगर हम बात करें, किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज यूज ऑफ द एक्सेल, तो एक सटीक आंसर क्या होगा? एक सटीक आंसर के लिए हम बोल सकते हैं कि एक्सेल का इस्तेमाल हम करते हैं सबसे पहले डेटा स्टोर में, डेटा स्टोर। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा स्टोर करना है तो स्टोर कैसे? मान लीजिए घर के खर्चे हैं या फिर आपके ऑफिस का इन्वेंट्री है, कुछ भी स्टोर करना हो, मतलब कि पहले जो रजिस्टर में हुआ करते थे, जैसे गार्ड के पास होता था, अकाउंटेंट के पास होता था, किसी भी चीज़ के डिपार्टमेंट के टेबल पे रजिस्टर हुआ करते थे, वो हर एंट्री को रजिस्टर में डालते थे, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, वो एंट्रीज हम एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सेल डेटाबेस नहीं, हम एक्सेल को एज ए डेटाबेस बना के लिए रख सकते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि एक्सेल जो है डेटाबेस के बहुत सारे नियमों को फॉलो करता ही नहीं। अब आप बोलेंगे किस तरह के नियम को फॉलो नहीं करता है? तो बहुत सारे नियम, जैसे सबसे पहले डेटा सिक्योरिटी। मान लीजिए इसमें आपने सिक्योर करने के लिए पासवर्ड अप्लाई किया, पासवर्ड अप्लाई करते माइक्रोसॉफ्ट यहाँ क्लियर कह रहा है, क्या बोल रहा है? इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। और पासवर्ड तो हम भूलते रहते हैं ना सर। हालांकि इसको पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन वो तरीका ट्रस्टेड नहीं है। दूसरी, इसमें डेटा की लिमिटेशन है कि 10 लाख रो तक आपको लिखना डाल सकते हैं, लेकिन 2 से 2.5 लाख रोज आते जाते एक्सेल काफी हैंग होने लगता है। ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज डालते हैं तो डेटा करप्ट होने के चांसेस है, फाइल करप्ट हो सकती है, फाइलों को इजीली डिलीट कर सकता है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए हम इसको एक डेटाबेस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको डेटाबेस नहीं बना सकते तो आखिर इसमें हम किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे? देखिए, इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे कई तरीके के, जैसे मिसलेनियस डेटा। मिसलेनियस डेटा, अब मिसलेनियस डेटा क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफिस में आप अकाउंट देख सेक्शन देख रहे हैं, और अकाउंट में मान लीजिए आप टैली या फिर सैफी को वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे मिसलेनियस डेटा, जैसे कि पेटी कैश। आप 2 रुपये की फोटो स्टेट कराई है, 4 रुपये किसी को चाय पिलाया है, 100 रुपये की आपकी किसी को किराया दिया है, कन्वेंस दिया है, अब इसकी एंट्री आप एक्सेल में तो नहीं कर सकते, राइट सर? इसकी एंट्री तो एक्सेल में नहीं हो सकती ना,
क्यों मतलब बाई नेम 2 रुपए दिए, 3 रुपए दिए, यही तो डाटा उसमें एनालाइज है वही कि तो किस बोल बंदे रहे हैं पर कि आप कितना इसकी, खर्चा आप होता है। मान लीजिए कि फोटोस्टेट करवाया तो आपको फोटोस्टेट का एक अलग लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे एंट्री थोड़ी कर देंगे अकाउंट्स में, आपको उसके लिए लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ना। ओके क्या क्योंकि ठीक है, मिसलेनियस मतलब खर्चा है, अलग तो मिसलेनियस खर्चा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना सर, हर बार नया हो सकता है, फिक्स खर्चा तो नहीं है ना। आप लेजर उसी का बनाएंगे ना इसका फिक्स होगा, और हर दिन खर्चा, नए नए तरह के खर्चे आ रहे हैं उसके लिए हर दिन नए नए लेजर बनाएंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि टैली के अंदर में लेजर जो डेटा एंट्री होता है, जो वाउचर्स एंट्री करते हैं, उनको लेजर बनाने का राइट्स नहीं होता है, समझ रहे हैं बात को सर? ओके क्योंकि हर किसी को लेजर बना देगा तो भर देगा लेजर, लेजर बुक ही भर देगा सर। फिर आपको जो है ट्रायल बैलेंस निकालने नहीं, में, अकाउंट इसको क्या बोलते हैं, आपकी जो ऑडिट्स होगी उसमें पंगा हो जाएगा। तो ओके कंपनीज लेकिन क्या कर, मुझे मतलब बेसिकली एक्सेल का बेसिक यूज केवल डाटा एनालिसिस का है बस। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना सर? आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मैं दूंगा। तो हाँ यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं, छोटे छोटे एंट्रीज है, उसके लिए हम एक्सेल में तो बना ही नहीं सकते ना। हाँ तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक अकाउंट बना देते हैं पेटी केस का या मिसलेनियस खर्चे का, लेकिन रिकॉर्ड हिसाब तो रखना पड़ता है, उसके लिए हम एक्सेल में रखते हैं। जैसे कि पेरोल, आप पेरोलिंग का यूज करते हो तो चलो पेरोल, मैंने आप सैलरी वगैरह बनाने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो पेरोल में आप सैलरी की पूरी डिटेल डाल सकते हैं, पर अटेंडेंस नहीं डाल सकते, क्योंकि अटेंडेंस कई केसेस में क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ लोग जो है बाहर की ड्यूटी करते हैं, तो उनका अटेंडेंस ऑटोमेट करना मुश्किल हो जाता है। उनका अटेंडेंस डिपेंड करता है उनके एचओडी के ऊपर, तो एचओडी उनकी अटेंडेंस को मैनुअली एक्सेल पे मेंटेन करते हैं। तो पहला जो है वो है आपका मिसलेनियस डेटा, उसके बाद आता है एसएमई। एसएमई मतलब कि शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं जो कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग एक्सेल में अपनी पूरी के पूरी डेटा को रखते हैं, हर तरह के डेटा को एक्सेल में ही रखते हैं एसएमई। तीसरा जो आता है एनालिटिक्स डेटा या एनालिसिस डेटा बोल दीजिए, एनालिसिस डेटा, जैसे कोई रिपोर्ट बनती है, अगर हम कोई रिपोर्ट आपको दिखाएं, चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आपके सामने देख पा रहे हैं कि सेल्स एनालिटिक्स का रिपोर्ट्स है बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया तो मेरा पूरा रिपोर्ट ऑनलाइन सेल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि तो हमने डेटा के अंदर, इस फाइल के अंदर डेटा को रख रखा है, ये डेटा हमने डाउनलोड करके लाया हुआ है अपने सेल्स का, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे लोग सेल्स फोर्स और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उससे ला के हमने एक्सेल पे यहाँ होल्ड किया। होल्ड करने के बाद फिर इस पर हमने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करने के लिए भी डेटा को स्टोर करना पड़ता है, राइट सर? तो हम डेटा स्टोर करते हैं तीन चीजों में, मिसलेनियस, एसएमई और एनालिसिस डेटा। अब एक्सेल का दूसरा चीज जो होता है वो होता है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मैं एक्सेल से परफेक्ट किसी चीज को नहीं मानता, क्योंकि आप अगर जाते हैं, जैसे आप जाते हैं ओरिकल में, एसक्यूएल में, या जाते हैं पावर बीआई, टैबलू, वहां पे क्या होता है कि जो कैलकुलेशन होती है फील्ड टू फील्ड की कैलकुलेशन होती है, पूरा एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ कैलकुलेट करता है, बट एक्सेल में हम एक सेल को दूसरे सेल से कर सकते हैं। जैसे कि क्वार्टी वन एंड क्वार्टर वन, क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में हमारे पास 85 सेल्स है, क्वार्टर टू में मेरे पास 65 सेल्स है। अब मुझे इसका ग्रोथ निकालना है, तो ग्रोथ निकालने के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और हमें यहाँ ग्रोथ फॉर्मेट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला ही दिख रहा है, क्योंकि फॉर्मूला मेनू बार के अंदर शो फॉर्मूला पे क्लिक था।
अब इसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो हमारे पे 24% आ गया। तो कहने के मतलब है कि कैलकुलेशन जो है परफेक्ट है, एक्सेल से अच्छा कैलकुलेशन शायद कोई सॉफ्टवेयर कर सकता है, क्योंकि एक्सेल में ऑलरेडी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला इनबिल्ड है। उसके अलावा इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी यूज की जा सकती है, इसलिए कैलकुलेशन के मामले में एक्सेल परफेक्ट माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस। या डेटा रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर सकते हैं। बात आती है कि डेटा एनालिटिक्स मतलब कि अभी जो मैंने आपको फाइल दिखाया कि डेटा एनालिटिक्स में आता है कि आप एक डेटा को तो जैसे कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे थे यहाँ पे कि ये जो आपने डेटा देख पा रहे हैं, मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा पूरे 2 साल का डेटा है। अब ये डेटा किसी को भेजूं तो समझ नहीं पाएगा कि डेटा है क्या, राइट? क्योंकि डेटा से किसी चीज़ का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसी शीट टू पे इसी डेटा को हमने एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट में कन्वर्ट किया है, जहां हम हर एंगल से देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी टोटल सेल्स का रेवेन्यू इतना था, हमें इतना प्रॉफिट हुआ और 50% का हमारा प्रॉफिट शेयर है। हमारा टॉप कस्टमर जो है प्रोडक्ट का, टॉप प्रोडक्ट प्रोडक्ट वन है, जो कि आपका ये 232,362 रेवेन्यू को जनरेट किया है। उसके बाद हमारा टॉप कस्टमर टाइप जो है कैटेगरी एनजीओ कैटेगरी है, जो कि 8,79,000 रुपये से लीड कर रहा है। उसके बाद मेरी मंथली सेल्स और मेरी मंथली सेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंथली सेल्स है एंड प्रॉफिट है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं। उसके अलावा या डेट वाइज कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि डेट वाइज क्या कंट्रीब्यूशन चल रही है, कि किस डेट में कितना सेल हो रहा है। उसके अलावा मैं एक एक पर्टिकुलर ईयर का भी देख सकता हूँ कि मुझे 2021। अब यहीं पे रिप्रेजेंटेशन आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर आपने डेटा एनालिसिस के बारे में बात की, वो तो ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं जनरली पावर पॉइंट। जी हाँ, पावर पॉइंट को यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम पावर पॉइंट यूज करते हैं तो हमें हर जो है एंगल से नहीं देख पाते। क्योंकि तो मान लीजिए मुझे अगर ना ये रिपोर्ट ही दिखाना होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, 2 साल का साल पे लीजिए तो मुझे हर साल का अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी, हर मंथ की अलग अलग स्लाइड्स बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जस्ट क्लिक करते हैं कि 2020 का रिपोर्ट चाहिए तो 2020 यहाँ पे आ जाता है और 2020 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। देख पा रहे हैं सर? हाँ सर देख रहा हूँ। तो यहीं पे प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाने की बात होती है, डायनेमिक रिपोर्ट्स का मतलब है कि आप अपने हिसाब से जो रिपोर्ट यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो डायनेमिक रिपोर्ट्स का जो बात आती है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अपना एक्सेल को, राइट सर? अब एक्सेल की जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि है तो कुछ नहीं बट एक वेरी इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग। मतलब हम अपनी रिपोर्ट्स, अपने फाइल को शेयर करना। अब मान लीजिए मुझे अपने रिपोर्ट्स को आपको भेजना है तो जाहिर सी बात है हम एक्सेल में भेज देंगे, लेकिन एक्सेल से भी जल्दी और उससे भी अट्रैक्टिव रिपोर्ट हमारा पावर बीआई बना लेता है। ये पावर बीआई आप देख पा रहे हैं, ये पावर बीआई बना देता है, टैबलू भी बना देता है। पावर बीआई क्या होता पावर बीआई एक टूल्स है एक्सेल की तरह, जो कि रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाता है, एक अलग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है।
तो सर डैशबोर्ड आपने देखा ना, इसको बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास अच्छी खासी नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको काफी टाइम भी लगेगा। इसी रिपोर्ट को पावर बीआई कुछ 10 या 15 मिनट में बना लेगा और बहुत ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसकी बनी रिपोर्ट को देखने के लिए या तो पीडीएफ में देखना पड़ेगा, बेबलिंग पे देखना पड़ेगा, या फिर आपको पावर बीआई की सॉफ्टवेयर पे ही देखना पड़ेगा। पीडीएफ में डायनेमिक नहीं होगा, बेबलिंग वेबसाइट हर जगह पे मिलेगा नहीं, और दूसरा मतलब इंटरनेट कनेक्शन हर जगह पे होगा नहीं, और तीसरा हर कोई रिपोर्ट को देखने के लिए 400-500 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेगा। इसलिए ये इतना पॉपुलर नहीं है। बट एक्सल मोस्टली पीसी में होगा, जिस पीसी में नहीं है उस पीसी में एक्सल के जगह पे ओपन आरजी या सैम्फनी ऐसे सॉफ्टवेयर जरूर होंगे। अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो वो जीमेल के अंदर ही, जैसे कि कोई मोबाइल पे देखना चाहते हैं या टैब पे देखना चाहते हैं, तो वहीं पे फाइल को खोल के अपनी रिपोर्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। इसमें एक्सेल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई रिपोर्ट किसी को भेजा तो हम 100% श्योर है कि कोई भी हमारी एक्सेल को देख सकता है। अब बात आती है डेफिनेशन की। अगर कोई कहे कि एक्सेल का यूज क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वी कैन यूज द एक्सेल फॉर द स्टोर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट द डेटा एंड शेयर द डेटा। तो इस एक लाइन में एक्सेल की पूरी फंक्शंस कवर हो जाती है। अब बताइए आपके पास कोई सवाल हो तो। नहीं, डाटा एनालिसिस का जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया है वो बिल्कुल एंड केस है, क्योंकि उसमें सारा काम आपको आना चाहिए, अदरवाइज तभी वो दिखाई देगा, वरना उसके लिए। और आप खुद ही कह रहे हैं कि एक्सेल शीट में बहुत ज्यादा मेहनत है, जबकि पावर बीआई में बिल्कुल भी एक्सेल के डाटा लेके उसे आराम से दिखा सकते हैं उसके अंदर, राइट? पावर बीआई बना ही है इस तरह की एनालिसिस, सिर्फ एनालिसिस। अब ये ऐसा नहीं कर सकते एक्सेल का सारा काम पावर बीआई कर सकता है, नहीं। जब डेटा आपका सही से नहीं हो, सीक्वेंस में नहीं हो, डेटा अरेंज नहीं हो, डेटा जो चाहिए उस तरह का डेटा नहीं हो, तो वहाँ पावर बीआई भी बम बोल देगा, बट एक्सेल उस चीज़ को कर देगा। पावर बीआई यूजर फ्रेंडली नहीं है, एक्सेल आपका यूजर फ्रेंडली है, ओके समझ ठीक गए? पावर बीआई है। हर जगह अवेलेबल नहीं है, एक्सेल हर जगह अवेलेबल। तो पावर बीआई एक्सेल को रिप्लेस नहीं कर सकता, या करने में भी उसको काफी टाइम लगेगा सर। और पावर बीआई ओके जस्ट क्या कर रहा है, आपको डैशबोर्ड बना के देता है, कैलकुलेशन नहीं करके देगा। मान लीजिए आपको अपने स्टाफ की सैलरी बनानी है, तो पावर बीआई तो ही सैलरी बना देगा सर। क्या समझ गया, मैं समझ गया। हाँ ठीक है, हाँ आपको अपने अपने समझ गया। क्लाइंट की मान लीजिए ए निकालनी है, कमीशन कैलकुलेट करना है, आपके अपने बैलेंस शीट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट आपको हैंडल करना है, तो ये सारी चीजें एक्सेल में की जा सकती है। देखिए जैसे कि ठीक टैली है हो सर, गया, या पेरोल सॉफ्टवेयर हो गई, या एसक्यूएल हो गया, या आपकी पावर बीआई हो गई, ये चीजें एक पर्टिकुलर चीजों के लिए बना है। कि पावर बीआई डैशबोर्ड्स के लिए बना है, टैली अकाउंटिंग्स के लिए बना है, पेरोल सैलरी के लिए बना है। बट एक्सेल जो चीजें हैं, एक्सेल जो है वो आप अपने हिसाब से हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इसी के लिए बनेगा, क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। पहले जब 25-30 साल पहले की बात करें, जब शुरू में आपने स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन किया होगा, हालांकि 25-30 साल लोगों की जॉब की हुई नहीं होगी, 10 या 15 के बीच में आप जॉब कर रहे होंगे, जहां तक मुझे बातचीत से लग रहा है। क्या सर? सर मेरी जॉब को ना, मैं बता देता हूँ आपको, 25 साल हो गए हैं। ओके, जब 25 साल पहले आपने जॉब ज्वाइन किया था तो मोस्टली जगह पे रजिस्टर हुआ करते थे, कंप्यूटर्स रहे होंगे लेकिन हर जगह नहीं रहे होंगे। क्या सर? हाँ मैं तो उस समय कंप्यूटर थे वहाँ पे, 93 में कंप्यूटर थे, तो मैंने मतलब स्टार्ट हर जगह अपने जैसे आप ही अभी लर्निंग अभी करना। हर जगह अभी तो रिसेप्शन पे भी कंप्यूटर रखा हुआ है, तो हाँ इतने नहीं थे, सही हर बात है। जगह नहीं थे, कहीं कहीं पे थे। तो क्योंकि उस समय कंप्यूटर का उतना चलन था, लेकिन रजिस्टर हर जगह पे हुआ करते थे। रजिस्टर अकाउंट वाला भी यूज करता था, बाहर गार्ड भी यूज करता था, रिसेप्शनिस्ट भी यूज करता था, आपका नीचे जो आपका ये है जो
इन्वेंट्री देखता है, जो स्टोर देखता है, सब यूज करता था ना सर। तो सही जस्ट बात लाइक एक्सेल, जो हर कोई इसको यू अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकता है, है। नहीं 100% तो 70-80%, 60-70%, 90% तक अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट करके इस्तेमाल कर सकता ठीक है सर। है। अब बात करते हैं सीखने का तरीका, जो आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं इसका तरीका क्या है, क्योंकि तो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, तो उसमें एक तरीके को, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग जो है वो मतलब कि काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो पढ़ने की हैबिट आपकी छूट चुकी है, आपके कॉलेजेस को छोड़े हुए काफ़ी जमाना हो चुका होगा, पढ़ने के डिसिप्लिन में नहीं होंगे, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा सर। मैं ये नहीं कहता कि आपको दिन भर बैठ के एक्सेल पढ़ना, जैसे आप अपने बच्चों को डांटते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो सिस्टम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक टाइम देना होगा आपको। याद रखिएगा, मेरी क्लासेस के बाद आपको कम से कम 1 से 2 घंटा, 1 घंटा मिनिमम और कम से कम 1 से 2 घंटा एवरेज आपको एक्सेल की प्रैक्टिस पे देना होगा। अब आप बोलेंगे सर मैं तो दिन एक्सेल में ऑफिस में सिर्फ एक्सेल पे ही काम करता रहता हूँ, तो फिर क्या जरूरत है इसकी? जी हाँ, जरूरत है, क्योंकि आप इससे पहले भी एक्सेल पे काम करते थे। कहने के मतलब कि जो चीज़ें मैंने बताई है, जो तरीका, जो प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ, उसके हिसाब से चलने के लिए आपको 1 घंटे 2 घंटे का टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए हर दिन देना होगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो आपको सीखना व्यर्थ है, क्योंकि ये कोई क्या बोलते हैं उसको, मैजिकल कैप्सूल नहीं है कि मैं सुबह शाम खिला दूँ और आपको एक्सेल आ जाए। एक लर्निंग ऐसा चीज है जो किसी को जबरदस्ती दिया नहीं जा सकता, या किसी से जबरदस्ती लिया नहीं जा सकता। तो ठीक है इसलिए सर। इसका इसका आप ध्यान रखिएगा, पहला चीज। तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए, इसके कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले अटेंड द क्लास, क्लास को अटेंड कीजिए। सेकेंड स्टेज होता है वॉच द रिकॉर्डिंग, जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है उसको वॉच कीजिए। फिर ऐसा होता है फॉलो द स्टेप, जो चीज़ें मैंने की है, जो मैं करके दिखाया आपको, उस चीज़ को, स्टेप को फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया कि भाई राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाके क्लिक कीजिए, तो वो चीज़ को आप एक बार अपने से खुद के करके देख लें। तो 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप होता है एडिशन। एडिशन मतलब कि मैंने आपको बताया कि 2 + 2 = 5 होते हैं, राइट? मैंने बताया आपको। अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि अच्छा, 4 + 1 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, सॉरी राइट सर? तो आपको इसमें एडिशन करना है, मतलब कि आपको डेटा और डेटा के टाइप को या फिर करने के तरीके को चेंज करके ट्राई करना है। अगर आप कर पाते हो ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप उसी समय फोन पे मुझसे समझ सकते हैं, राइट? अगर बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये है तो तो डायरी में नोट करें और अगले दिन मुझसे पूछ लें। नहीं सर, ये जो आप बताने की भाई जो आप बताएंगे उसका वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करके देखो, तो इसके लिए अगर कोई एक बार डिफाइंड वेरिएशन वाला क्वेश्चन पेपर मिल जाए ना, तो बंदा अपने आप करेगा ना, नहीं नहीं क्योंकि सर, मेरे अपने अपने आप दिमाग में नहीं मैं आएगा। आपको क्लासेस की बात कर रहा हूँ, नहीं समझे? क्लासेस में जैसे कि आपको सबसे पहले तो मेरी क्लास लेना है, फिर मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग को रिपीट करना है, राइट? रिपीट करने के बाद मैंने बोला स्टेप द फॉलो, जो रिकॉर्डिंग में जैसे मैंने फॉलो किया। आप बोलेंगे कि कैसे करूँगा? तो जिस फाइल पे मैं आपको क्लासेस दूंगा वो फाइल आपको डेली मेल कर दिया करूँगा। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो आप सिखाएंगे, जो बताएंगे, वो करने के बाद ना एक प्रैक्टिस सेट मिल जाए ना, विद डिफरेंट हाँ वेरिएशन हाँ की, ये बताओ कैसे करोगे, वो वो चीज़ उसमें भी ना आप हो तो वो ज्यादा चीज़ अच्छे से भी हो आपको पाएगा। हम करके देंगे, वो चीज़ भी करके देंगे। समझ, पहले पहले क्या होगा, पहले मेरी जो है एग्जाम्पल शीट मिलेगी, जिस पे मैंने करके दिखाया है ना वो मिलेगा आपको। उसके बाद जैसे ये देखिए, ये रहा, जैसे कि आपकी जो अगली क्लास है सिलेक्ट का है, तो जैसे कि आपको मैंने सिलेक्शन समझाया, सिलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें मैंने दिया है, उसके बाद जो चीज़ें समझाया वो शीट हो गई। उसके अलावा जो चीज़ें समझाऊंगा वो सीट हो जाएगी। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2। प्रैक्टिस 1 सीट पे मैं आपको डेटा दिया और बोला कि अप्लाई ऑल कीवर्ड्स, मैंने बोला कि जितने भी कीवर्ड कीवर्ड्स मैंने आपको समझाए हैं उसको आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है।
उसके अलावा यहाँ आपको मैंने बोला कि मुझे ये सेम कैश मोमो बना के दीजिए, राइट। तो ये प्रैक्टिस, दो प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा तीन जो है मेरी एग्जाम्पल शीट मिलेगी, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे चीज़ें जैसे जैसे मैंने रिकॉर्डिंग में किया है ना, सेम उस तरह से इस पर करके आप चेक करेंगे, क्योंकि जब चेक करेंगे उसके बाद ये दोनों पे वर्क करना है, ठीक है सर। ये तीन चीज़ क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया कि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, फिर मैंने टाइपिंग पे एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको फॉर्मूले पे एक्सप्लेन किया, तो तीन चीज़ों पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग देखते समय जो तीन चीज़ों मैंने किया वन बाय वन, उसको यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट सर। ठीक है सर, जब ये ठीक तीनों है सर। प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके अलावा मेरे पास खुद की दी गई प्रैक्टिस शीट पे आप काम करेंगे, दो चीज़ों पे काम करेंगे, इसके अलावा कुछ अपनी रिसर्च भी करेंगे। क्योंकि देखिए, जो मैं मान लीजिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं तीन या चार या बहुत होगा तो पांच एग्जाम्पल दे दूंगा, बट पांच एग्जाम्पल से आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 50 एग्जाम्पल आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सोशल मीडिया रिसोर्सेज पे जाके, जैसे कि गूगल पे जाके उस टॉपिक को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद बहुत सारे लोगों का आर्टिकल्स दिखेंगे, कुछ वीडियोज भी दिखेंगे। टाइम है तो उस पे जाके एक बार देखिए कि बाकियों ने इसके बारे में क्या पढ़ाया है, और जो पढ़ाया है वो आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिए कि कल क्लास में इस एग्जाम्पल को समझा दीजिएगा, फिर मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझा दूँगा। मतलब कि आपको रिपीटेशन, फॉलो एंड रिसर्च, तीन चीज़ें होती है। पहले आप वीडियो को देख के रिपीट करें, वीडियो मतलब क्लास को रिपीट करें, फिर क्लास के स्टेप्स को फॉलो करें, देन क्लास की चीज़ों को रिसर्च करें। समझ गए सर। तो इसके लिए आपको 1 से 2 घंटे का टाइम मिनिमम, कितना भी स्पीड होगा तो लग जाएगा, इसलिए मैंने बोला 1 से 2 घंटे की टाइम आपको चाहिए। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसी हो सकती है कि आपने प्रैक्टिस कंप्लीट ना किया, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं किया हूं तो आगे नहीं बढ़ूं, आज क्लास को पोस्टपोन कर देता हूं, तो आप शौक से क्लास को पोस्टपोन कर सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि सर ने बहुत पढ़ा दिया है, मुझे 10-15 दिनों का ब्रेक चाहिए होगा इस सबको प्रैक्टिस और इसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए, तो आप आसानी से मेरे साथ ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तो मेरे यहाँ टाइम का मॉड्यूलेशन नहीं है, मेरा एक ही अटेंशन है कि जो सारी चीजें हैं सब आपका हम करेंगे, जो टॉपिक्स है सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई सर आपको, तो दिक्कत और कोई क्वेश्चन दिक्कत पूछने नहीं। से आप कोई भी झिझकिएगा नहीं। मैं कभी भी आप, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पूछे गए किसी भी तरह के क्वेश्चन पे मैं एग्रेसिव नहीं हूं। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग, मैं आप बच्चों वाले क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया, एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछ दिया, तो मैं पूरी, अब ऐसा मैं ह्यूमन हूँ, ऐसा तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं एग्रेसिव नहीं हूँगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ एग्रेसिव ना हूँ, ठीक ठीक है। है सर। और मैं सबके साथ ये रहता है कि मैं क्वेश्चंस पे एग्रेसिव ना हूँ, ठीक है सर। ठीक है ना सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। अब बात आती है कि आज की रिसर्च के ऊपर, तो मैंने आपको एक वीडियो भेज रहा हूं जो कि 5 घंटे का है सर। इसको हम लोग ओके बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। ठीक है सर। हर कोई को इस क्लास को देखने से पहले मैं बोलता हूँ इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखने के लिए, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भी भेज रहा हूँ, आप भी इसको आराम से देखिए, और देखने के बाद कल की क्लास जो है हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल की टॉपिक रहेगी सिलेक्शन मेथड, कि किस तरह से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ओके ठीक है। मतलब ये बेसिक बेसिक सिलेक्शन या एडवांस सिलेक्शन। दोनों, हर टॉपिक को मैं बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा, ओके ठीक ठीक है। है। ओके हर एंगल से हर चीज को हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। चलिए तो मिलते हैं कल। मेरे सिस्टम में तो ये पावर पॉइंट नहीं है, ये डेवलपर पावर पॉइंट ये मेरे सिस्टम में तो नहीं आ रहा है। आ जाएगा सर, मैं बताऊंगा तो आ जाएगा, जब उसका टॉपिक आएगा तो बता दूंगा कैसे करता है, ओके ठीक है।
ओके बाय। ठीक है सर, ओके।